नमस्ते सर जी, मेरा नाम निलजा अंगमो है और मैं लद्दाख से हूँ सर। मेरा फील्ड कुकिंग में है सर। अभी लद्दाख में सब मुझे, ज़्यादातर लोग मुझे शेफ़ निलजा बोलते हैं, तो ये फील्ड लद्दाख में नया है सर। तो मैंने ये किचन, लद्दाखी किचन स्टार्ट किया था 2016 में, और तब उससे पहले कोई लद्दाखी किचन नहीं, रेस्टोरेंट नहीं था सर। तो ये इनिशिएट मैंने किया था, और जो ट्रेडिशनल खाना भूल गए थे लोग, उसको मैंने रिवाइव करने की कोशिश किया। अभी लद्दाख में मेरा रेस्टोरेंट टॉप पे है सर। अच्छा, आजकल हम लोग जी सर, न्यूट्रिशन को लेकर के बहुत काम कर जी रहे हैं। जी सर, अगर इन सबको आपको एडवाइज करनी है जी कि लद्दाख की ये डिश है जी जो न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत अच्छी है, जी तो कौन सी डिश कहेंगे? वो सत्तू होगी सर, बाली बाली अच्छा, वही सब तो जो बिहार वाला है यहाँ जी। का कहने वाला है। ये थोड़ा अलग है सर, ये जौ का आटा है, सत्तू है जी। कैसे बनाते हैं? जौ को रोस्ट करके उसका पाउडर फॉर्म उसको पीसते हैं सर फिर हम जब लद्दाख जाएं तो हमको सत्तू खाना जी। पड़ेगा। और एक पावा डिश बनता है सर, वो सब चार ग्रेन्स को मिला के मिक्स्ड ग्रेन पॉरिज जैसा डिश है सर भारत के और भी वैरायटीज का स्टडी करती हैं क्या आप? जी सर। अभी करने लगी हूँ सर, पहले इतना नहीं पता था। अभी अलग अलग जगहों पे जब जाने से पता चलता है कि वहाँ का ट्रेडिशनल खाना क्या होता है, कैसे होता है देखिए, आपका काम इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लेह लद्दाख टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। जी सर। और टूरिज्म में जैसे हैंडीक्राफ्ट का महत्व है, वैसे वहां के लोग